नमस्कार, वेलकम एट इंग्लिश स्टडी। आई एम रेखा गुप्ता। टुडे वी विल रीड अबाउट सैमुअल टेलर कॉलरिज, वन ऑफ द फेमस रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 to 1834। एसटी कॉलरिज के रूप में ये फेमस हैं और ये रोमांटिक पीरियड के पोएट और क्रिटिक हैं। इनके फादर कलर्जी मैन हैं। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और इनके कितने भाई बहन थे? 13। एट द एज ऑफ 5 रीड द बाइबल एंड अरेबियन नाइट्स। 5 ईयर्स की एज में इन्होंने बाइबल की स्टडी कर ली थी और अरेबियन नाइट्स, जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक्स है, उसकी भी स्टडी इन्होंने कर ली थी। एसटी कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेट को पब्लिश किया था और वहीं से रोमांटिक पीरियड की स्टार्ट हुई थी। तो इनके बारे में बहुत कुछ जानना है। एट 10 ही वेंट टू द चैरिटी स्कूल ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन, वेयर ही मेट चार्ल्स लैम। जब ये 10 साल के थे तो ये चैरिटी स्कूल जाते क्राइस्ट हॉस्पिटल के, जहाँ पे इनकी मुलाकात चार्ल्स लैम से होती है। क्राइस्ट हॉस्पिटल इस कहाँ पे है? लंदन में है। तो वहाँ पे इनकी पहली मुलाकात चार्ल्स लैम से होती है। ही लेफ्ट जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज विदाउट डिग्री। बिना डिग्री लिए ही ये कैम्ब्रिज जो में जो जीसस कॉलेज से वहाँ से स्टडी छोड़ देते हैं, मतलब कम्प्लीट पढ़ाई नहीं करते हैं। इन 1794 ही एक्वेंटेस्ड विथ रॉबर्ट सौदी, इन 1795 वर्ड्सवर्थ एंड इन 1824 थॉमस कार्लाइल। 1794 में इनकी मुलाकात रॉबर्ट सौदी से होती है, जिनके साथ ये कुछ आगे चल के काम करते हैं। और 1795 में इनकी मुलाकात वर्ड्सवर्थ के साथ होता है। उनसे रिलेटेड तो बहुत कुछ आप लोग जान ही चुके हैं। 1824 में थॉमस कार्लाइल से इनकी मुलाकात होती है, जब ये बहुत बीमार रहते हैं तभी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ही विथ सौदी इन्वॉल्व अ कम्युनिस्टिक स्कीम विच दे कॉल्ड पेंटिसोक्रेसी। फ्रेंच रिवोल्यूशन के इन्फ्लुएंस में आकर ये रॉबर्ट सौदी के साथ एक कम्युनिटी का क्या करते हैं? प्लान करते हैं। और उस कम्युनिटी को क्या कहा जाता है? पेंटिसोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अब ये पेंटिसोक्रेसी क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पेंटिसोक्रेसी ऑन द बैंक ऑफ द सस्क्वेना, an ideal community in which the citizens combined farming and literature and work was to be limited to 2 hours each day. Actually, it is a kind of ideal community. एक ideal community था जिसके member थे सदी और एसटी कॉलेज दोनों ही। तो ये कहाँ पे located था? सस्क्वेना जो के किनारे पे वो ये located था। और वहाँ के जो लोग थे, means इस कम्युनिटी के जितने भी सिटीजन्स थे, उनका काम क्या था? वो कम्बाइंडली वर्क करते थे फार्मिंग और लिटरेचर का। और वर्क कितना था? पर डे के लिए सिर्फ 2 घंटे का काम होता था। इच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी वॉज टू मैरी अ गुड वुमेन। साथ ही ये भी रूल था कि इस कम्युनिटी के जितने भी सिटीजन हैं, उनको एक अच्छी लेडी से शादी करना होता था। इसी पर्पज़ से ड्यू टू दिस रीजन कॉलेज मैरिड टू सारा फ्रीकर एंड सौदी मैरिड टू हर सिस्टर, हुज सिस्टर? सारा फ्रीकर सिस्टर। दे टुगेदर रोड द ट्रेजिक फॉल ऑफ रॉबेसपियरे इन 1974, अ 3-act प्ले। रॉबर्ट सौदी और एसटी कॉलेज दोनों लोग मिलकर एक ट्रेजिक प्ले लिखते हैं, जिसका टाइटल है फॉल ऑफ रॉबेसपियरे। 1794 में ये प्ले आता है और ये 3-act प्ले है। शेक्सपियर के बाद जनरली 3-act प्ले ही ज़्यादातर लिखे गए हैं, स्पेशली रोमांटिक एंड मॉडर्न टाइम में। कॉलेज इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंड, अ पेपर डिवोटेड टू ट्रूथ एंड लिबर्टी। कॉलेज लेटर ऑन एसोसिएट हो जाते हैं किसके साथ? द फ्रेंड नाम के पेपर के साथ। और ये पेपर क्या होता है? ट्रूथ और लिबर्टी के लिए डिवोटेड होता है। ही सफर फ्रॉम न्यूरालजिया एंड एडिक्टेड फॉर ओपिएट्स। कॉलेज जो है न्यूरालजिया नाम के डिजीज से सफ़र करते हैं और इस वजह से ये ओपिएट्स हो जाते हैं, मीन्स ड्रग के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इनको इस न्यूरालजिया नामक डिजीज की वजह से इनको ओपियम की लत लग जाती है। विद वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेट इन 1798। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने लिरिकल बैलेट पब्लिश किया था 1798 में, जहाँ पर इनकी 4 पोएम आई थी और फर्स्ट इन्हीं की पोएम थी लिरिकल बैलेट फर्स्ट एडिशन में, दैट वॉज द राइम ऑफ एशियंट मारिनर। ही मेट विथ लॉर्ड बायरन इन 1816। ओसरियो इज अ ट्रेजडी इन ब्लैंक वर्स रिटेन इन 1797 बट रिजेक्टेड टू परफॉर्म बाई ड्ररी लेन थिएटर।
इनकी मुलाकात 1816 में लॉर्ड बायरन से होती है। इन्होंने 1797 में एक ट्रेजिक प्ले लिखा था ब्लैंक वर्स में, दैट इज़ कॉल्ड ओसेरियो, जिसको ड्रेरी लेन थिएटर ने रिजेक्ट कर दिया था परफॉर्म करने से। तो लेटर ऑन 16 साल बाद क्या होता है, बायरन के इन्फ्लुएंस की वजह से अगेन जो ड्रेरी लेन थिएटर है वो इनके प्ले को परफॉर्म करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है और प्ले का जो टाइटल है ओसेरियो से चेंज होकर रिमोर्स बन जाता है, मतलब टाइटल चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, रिमोर्स। लैम्प ऑन कॉलिस एन आर्क एंगल अ लिटिल डैमेज्ड। लैम ने कॉलिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, वो है एन आर्क एंगल अ लिटिल डैमेज्ड। ही डाइड इन 1834 एंड बरीड इन हाईगेट चर्च। इनके डेथ हो जाती है 1834 में और इनको बरी किया जाता है कहाँ पे, हाईगेट चर्च में। द बोटमैन सॉन्ग इन रिमोर्स बेटर सर्व एज एपिटाफ फॉर हिम। इनका जो ट्रेजिक प्ले था रिमोर्स, उसमें एक सॉन्ग है बोटमैन का सॉन्ग जो इनके लिए एक एपिटाफ के रूप में सर्व करता है, और वो क्या है, हार्क द कैडेंस डाइज अवे ऑन द क्विट मून लिट सी द बोटमैन रेस्ट दियर ओर्स एंड से मिसरेर डोमिनी। तो ये सेंटेंस है, ये सॉन्ग है बोटमैन का रिमोर्स ट्रेजिक प्ले से, जो कि इनके लिए एपिटाफ क्या काम करता है। इन 1798 एंड 99 ही ट्रेवल इन जर्मनी एंड केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी ऑफ स्लेगल एंड कांट। इन्होंने जर्मनी की यात्रा की थी कब, 1798 और 99 में, तब इनके ऊपर ट्रांसेंडेंटल जो फिलॉसफी है उसका इफेक्ट हुआ था, और वो जो ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी है वो किसका था, स्लीगल और कांट का। तो इन दोनों लोगों से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसका इफेक्ट इनके जो बाद के वर्क्स है, थियोटिकल वर्क्स, उसमें देखने को भी मिलता है जो कि इनके मेजर वर्क्स हैं। हिज लव फॉर सारा हचिनसन सिस्टर इन लॉ ऑफ वर्ड्सवर्थ शोज इन डिजेक्शन एंड ओड। तो हिज लव फॉर सारा हचिनसन जो था वो, इनका एक ओड है जो कि डिजेक्शन एन ओड के नाम से फेमस 1802 में आया था, उसमें देखने को मिलता है। सारा हचिनसन कौन है, वर्ड्सवर्थ की जो वाइफ मेरी हचिनसन है उनकी सिस्टर। ही क्वारल्ड विद वर्ड्सवर्थ इन 1810। इनका वर्ड्सवर्थ के साथ झगड़ा हो जाता है 1810 में। ही लिव्ड विद हिज सर्जन जेम्स गिलमैन टू कोप विद हिज एडिक्शन फॉर ओपियम। इनकी मुलाकात होती है जेम्स गिलमैन सर्जन के साथ और उन्हीं के साथ ये लेटर ऑन रहने लगते हैं, सो दैट कि जो ओपियम को लेकर इनका एडिक्शन था वो आदत छूट जाए। ही बिकेम टॉरी एंड एंग्लिकन। ये टॉरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं इंग्लैंड के, और रिलीजन में ये एंग्लिकन हो जाते हैं। कॉलरिज एक्सप्रेस्ड हिज लॉस ऑफ फैथ इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ओड टू फ्रांस 1798। इनका जो फ्रेंच रिवोल्यूशन को लेकर इफेक्ट था वो लेटर ऑन क्या हो जाता है, लॉस ऑफ फैथ, यानी कि इनके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर फैथ जो होता है वो लॉस हो जाता है, इनका जो कनेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसको इन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने एक ओड में, ओड टू फ्रांस नाम से 1798 में ये वर्क आता है। और कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। हिज कन्वर्सेशन पोएम सच एज फर्स्ट एट मिडनाइट 1798, दिस लाइम ट्री बावर My Prison 1800 continues and deepen the reflective tradition of grey and copper। तो इनका जो conversation poem था Frost at Midnight, This Lime Tree Bower, My Prison, इन दिनों work में इन्होंने क्या किया, जो grey और copper की tradition रही है, reflective tradition, वो देखने को मिलता है और काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है grey और copper का इन दोनों poem में। Coleridge के दोनों poem कब आते हैं, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट 1798 में, दिस लाइम ट्री बॉर माई प्रिजन 1800 में। अदर कन्वर्सेशनल पोएम्स, द इओलियन हार्प 1795, रिफ्लेक्शंस ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट 1795। तो इनके और भी कुछ कन्वर्सेशनल पोएम है जिसमें द इओलियन हार्प करके आता है 1795 में, Reflections on Having Left a Place of Retirement 1795 में आता है, Fears in Solitude 1798 में आता है, A Nightingale Conversation Poem है ये भी 1798 में आता है, लिरिका बैलेट में आई थिंक ये पब्लिश होता है, वर्ड्सवर्थ वाली सीरीज में बताया गया था, Dejection and Ode 1802 में आता है। इन्होंने वर्ड्सवर्थ पे भी पोएम लिखा था टू विलियम वर्ड्सवर्थ करके 1807 में आता है। ऑन द अदर हैंड हिज मेजर सिम्बॉलिक वर्क्स
द राइम ऑफ द एशियन मारिनर 1798, कुबला खान 1816 एंड क्रिस्टोबेल 1816। इनके जो मेजर सिंबॉलिक वर्क्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर द राइम ऑफ एशियन मारिनर है, कुबला खान है और क्रिस्टोबेल हैं, तो इन वर्क्स के बारे में डिटेल में भी स्टडी करेंगे अनदर वीडियो में। प्लम्स न्यू साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेप्थ, इसमें क्या देखने को मिलता है? न्यू साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेप्थ देखने को मिलता है, मतलब एक गहराई दिखती है साइकोलॉजिकल इमोशनल। इन हिज बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 रिप्रेजेंट्स डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क्स, इन्होंने एक क्रिटिकल वर्क प्रेजेंट किया है जो कि प्रोज फॉर्म में है, बायोग्राफिया लिटरेरिया करके 1817 में। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ के वर्क का एनालिसिस किया है और थोड़ा सा इनका नेचर उस समय क्या था, वर्ड्सवर्थ के वर्क को एनालिसिस करते समय थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटिव नेचर था, एक तरह से भेदभाव वाला। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया जाएगा बट इन नेक्स्ट वीडियो। हिज वर्क्स डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेस, द पोएटिक, द क्रिटिकल एंड द फिलोसफिकल। इनके वर्क्स को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? पोएटिक क्लास, क्रिटिकल क्लास एंड फिलोसफिकल क्लास। हिज अर्ली पोएम शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रे एंड ब्लैक, इनके जो स्टार्ट के पोएम्स थे उसमें ग्रे और ब्लैक का प्रभाव देखने को मिलता है। वाइल ब्लैक इज ओनली ड्रीमर, कॉलिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ड्रीमर एंड प्रोफाउंड स्कॉलर, इनके जो स्टार्ट के पोएम्स थे उसमें टॉमस ग्रे और विलियम ब्लैक का इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें ब्लैक के बारे में कहा जाता है कि ब्लैक जो थे वो ड्रीमर थे और कॉलेज जो थे वो ड्रीमर तो थे ही, ड्रीमर के साथ साथ प्रोफाउंड स्कॉलर भी थे। ही वर्क एज यूनिटेरियन प्रीचर बिटवीन 1796 to 1797 एंड पब्लिश्ड हिज मोस्ट नोटवर्दी राइटिंग्स ऑन रिलीजन, इन्होंने यूनिटेरियन प्रीचर का काम किया था 1796 से 1797 के बीच में, और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने अपना रिलीजियस वर्क पब्लिश कराया था, दैट इज ले सेरमन्स 1817 में, एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 में, ये इनका प्रोज वर्क है एड्स टू रिफ्लेक्शन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830 में, तो 1813 में आता है, 1830 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, तो ये तीन जो इनके इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्क हैं। ही हैव टू इंट्रोड्यूस जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफी इन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स, इन्होंने जर्मन आइडिया, जब जर्मनी की इन्होंने विजिटिंग की थी तो वहीं से ये जर्मन आइडियलिस्ट लेकर आते हैं आइडियलिस्ट फिलोसफी, कहाँ पे? इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर्स में। इन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया, सस्पेंस बिलीफ, तो इस फ्रेज के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये फ्रेज क्या है, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, इसमें क्या होता है कि जब हमें किसी चीज़ को लेकर भरोसा नहीं होता है बट वी आर फोर्स टू बिलीव ऑन दैट थिंग आइदर इवन दो वी आर नॉट टू बिलीविंग, मतलब हमें भरोसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसे होता है, जैसे बहुत तरह के सुपरस्टिशन होते हैं और उस सुपरस्टिशन में हम क्या शो करते हैं कि वी आर फ्रॉम द 21st century, तो हम क्यों इस तरह के सुपरस्टिशन पे भरोसा करें, लेकिन फिर भी हमें एक तरह से सोसाइटी की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से एक फोर्स होता है कि नहीं वी हैव टू बिलीव, जस्ट लाइक अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हम कहते हैं कि नहीं हम भरोसा नहीं करते हैं, बट भरोसा हो जाता है अगर बिल्ली रियली रास्ता काट दे तो हम फिर वेट करते हैं कि पहले कोई और जाए देन हम जाते हैं, तो इस तरह की जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है यही बताता है कि हमें जिस चीज़ पे भरोसा नहीं होता है फिर भी हम भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो दिस इज कॉइन बाय एसटी कॉलरिस। कॉलरिस प्रोज वर्क्स द बायोग्राफिया लिटरेरिया और स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस 1870, हिज कलेक्टेड लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1849 एंड एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825। तो कॉलेज का तीन प्रोज वर्क्स है जिसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया है, इसका सेकेंड टाइटल है स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस 1817 में आता है, और इन्होंने लेक्चर्स दिए थे शेक्सपियर पर, तो उसका कलेक्शन है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर 1849 में, इनके डेथ के बाद ये पब्लिश होता है, इनकी डेथ हो जाती है 1834 में ही और ये 1849 में पब्लिश्ड होता है, और इनका नेक्स्ट जो प्रोज वर्क है एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 में। अदर वर्क्स, कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्क से देख लेते हैं। यूथ एंड एज, जिसका फर्स्ट 38 lines इन 1828, तो यूथ एंड एज जो है दो बार पब्लिश्ड होता है, इसके फर्स्ट 38 lines
1828 में पब्लिश्ड होता है, और बाद में जब 1834 में ये रीपब्लिश्ड होता है तो इसमें 6 लाइन और जोड़ दिए जाते हैं कॉलेज के द्वारा, और वो जो 6 लाइन होते हैं वो ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं होता है। इसका मतलब कॉलेज ने उसको अगेन कंपोज किया था उस 6 लाइन्स को अलग से। तो इस तरह से यूथ एंड एज दो बार पब्लिश्ड होता है, 1828 में 38 लाइन्स और 1834 में 6 लाइन और उसमें ऐड हो जाता है। इनके लव पोएम से, रिलीजियस म्यूजिक से, जो कि कंप्लीट हुआ था 1796 में। इनका नेक्स्ट वर्क वर्क विदाउट होप 1828 में आता है, हाइम बिफोर सनराइज इन द वेल ऑफ क्योमनी रिटेन इन 1802। तो ये जो हाइम है इनका बिफोर सनराइज वाला, ये 1802 में इसको ये राइट करते हैं। इन्होंने कुछ ट्रांसलेशन का भी काम किया था लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में, और वो कौन कौन से वर्क है, द वर्जिन्स क्रेडल हाइम सीलर्स वेलेंस्टाइन करके ये ट्रांसलेशन वर्क है कॉलरिस का। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, और थोड़ा सा मतलब लंबा नहीं करना चाह रहे थे वीडियो को, इसी वजह से यहीं पर स्टॉप करते हैं, और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसका वीडियो अलग से लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है कि हम थोड़ा और मेहनत करें और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करें आप लोगों के लिए। और जितने भी वीडियोज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर तरह के एग्जाम्स के लिए, जो कि इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।